नमस्कार, मैं आप सबको मेरा YouTube चैनल एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो में स्वागत करते हैं। आज जिससे हम आप लोग को परिचय करेंगे उनका नाम है मिस्टर अभय कौल। मिस्टर अभय कौल मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक में। तो फिर आप लोग जानते हो कि फेसबुक में मैक्सिमम 5000 फ्रेंड्स एक अकाउंट में कोई एनरोल कर सकते हैं। तो मेरा फेसबुक अकाउंट हर टाइम 5000 ही करीब करीब रहता है, इसलिए हमको नया फ्रेंड लेने में हमको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब जगह होता है हम देखते हैं। तो मेरा जो पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसमें से हम देखते हैं कौन ज़्यादा डॉग लवर है, वो देख के हम मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट में उनको इंक्लूड करते हैं। तो इसे जैसे हम मिस्टर अभय कौल को हम इंक्लूड किए, तो एक तो मैसेज आया मेरा मैसेंजर में कि शायद आपको याद नहीं रहेगा कि मैं 17-18 साल आगे आपके सामने एक बार डॉग शो, एक तो कुत्ता शो किए थे, जर्मन शेफर्ड फीमेल, और आज हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि उस समय आप बहुत प्रेशर था आपका ऊपर, लोकल प्रेशर था, मगर तब पर भी आप बहुत फेयर और ऑनेस्ट जजिंग किए थे। तो ये सुन के मेरा थोड़ा आनंद हुआ। और अगर हम उस समय हम अपना माने हिसाब से जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है उसको अगर नहीं जिताते तो शायद मिस्टर अभय कौल हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो मैं आपके सामने उनका बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा, क्योंकि मेरा ये चैनल एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो ये डेडिकेटेड है डॉग लवर्स के लिए और एनिमल्स के लिए, हर किस्म के एनिमल और एनिमल फैंसियर के लिए। तो मेरा और एक तो जो इंटरेस्ट है कि सारा वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इंडियन लोग डॉग्स और नहीं तो दूसरे एनिमल को ऊपर ये लोग एक्सपर्टाइज किए हैं, उनको मेरे चैनल में शामिल करना और उस जरिए उन सारा इंडिया का सब एनिमल लवर लोग उनसे परिचय हो सके। तो मिस्टर अभय कौल जो जर्मन शेफर्ड लेके काम करते हैं, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नामी पॉपुलर ब्रीड माना जाता है और एक ओरिजिनल ब्रीड, कई 100 साल से ये ब्रीड का डेवलपमेंट होते रहा है, अभी भी इसको लेके बहुत चर्चा बहुत ही हाई लेवल पर होता है, बहुत कंट्री में इसका डिवोटेड फैंसियर्स है जो लोग ये ब्रीड को लेके इतना चर्चा में रहते हैं। और इनका सबसे लेटेस्ट और सबसे लेटेस्ट जो विनर्स है जर्मनी में जो विन करता है वो सब को लेके और वो हिसाब से ये लोग ब्रीड करता है, जितना ये लोग कोशिश रहता है कि स्टैंडर्ड का जितना नजदीक ये लोग ब्रीड कर सके। एक तो जानना है कि जर्मन शेफर्ड एक डॉग शो में खाली दौड़ने वाला डॉग नहीं है, एक फंक्शनल ब्रीड है, इसका बहुत ही क्वालिटीज है, कैरेक्टर है जो आपको जो वो हर किस्म का काम में इसको लगाया जा सकता है। ये सिक्योरिटी डॉग है, सेंट वर्क में पुलिस लोग काम में लगाते हैं, शीप हर्डिंग के लिए जर्मनी में ये काम लगाते हैं, फिर ये लोग मैन वर्क के लिए क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ये लोग सहायता करता है, नार्कोटिक्स डॉग के लिए ये लोग को यूज किया जाता है, कोई भी काम के लिए ये लोग को यूज करते हैं। और जो है ये बहुत अच्छा फैमिली पेट है, ये लोग घर में बच्चे लोग का साथ हर किसी का माने परिवेश में ये लोग अपने को सब मिला जुला के रह सकते हैं। और ये जो बच्चे लोग का साथ भी ये बहुत टॉलरेंट है और इनका इतना वर्सेटिलिटी है कि ये ब्रीड को कभी भी माने जितना तब सिविलाइजेशन रहेगा और मैन और डॉग रहेगा तब तक ये डॉग मेरा ख्याल से ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ब्रीड होके ही रहेगा। तो आज जो जर्मन शेफर्ड का जो उनका जो हम आप देख रहे हैं अभय कौल का जो जर्मन शेफर्ड बहुत ही सब विनिंग जर्मन शेफर्ड है, उनका चर्चा खाली इसको डॉग शो करना इनका उद्देश्य नहीं है, ये डॉग का जो पूरा मजा लेना है, ये इसको जो ट्रेनिंग करते हैं, मैन वर्क करते हैं, ये सब आप देख रहे हैं वीडियो का जरिए हम आपको सामने लाए हैं। हम रिक्वेस्ट किए उनको कि आप शेयर कीजिए कि हम वो सारा इंडिया में हम 3 भाषा में शेयर करेंगे। आप जानते हैं कि इस पर्सनैलिटी का जब हम बारे में बोलते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं क्योंकि वो मेरा मदर टंग है, और हम हिंदी में भी बोलते हैं सो दैट माने सारा इंडिया का आदमी को समझने में ज़रा सुविधा होता है।
तो आप लोग को जर्मन शेफर्ड के बारे में जरूर जानकारी है, मगर ये भी हम बताने चाहते हैं कि वर्ल्ड में हर कोने कोने में ये ब्रीड का ऊपर इतना रिसर्च और इतना डिवोशन से आदमी लोग करते हैं कि ये माने आपको आप जानिएगा कि कोई ब्रीड का ऊपर इतना परिश्रम जो करते हैं और इतना सख्त जो इसमें इन्वॉल्व है सारा वर्ल्ड बेसिस कोई ब्रीड में नहीं है। और एक बोलते हैं कि जर्मन शेफर्ड का एक मजा है, जर्मन शेफर्ड के जैसे कि विस्की का स्कॉच विस्की एक स्कॉटलैंड में ही सबसे अच्छा मिलता है, तो अगर माने कोई भी माने वर्ल्ड में तो बहुत कंट्री में विस्की बनता है मगर कोई स्कॉटलैंड का माफिक विस्की नहीं बना सकता है। वैसे ही एक तो सोच है कि जर्मन शेफर्ड भी अच्छा बनता है सबसे ज्यादा जर्मनी में, तो जर्मनी में जो जीतता है उसको वर्ल्ड का माने सब जो लोग फैंसियर्स है उसको सबसे ऊपर नंबर में रखा जाता है, तो जर्म और वो सारा वर्ल्ड से ज्यादातर आदमी बहुत आदमी हर साल जर्मन शेफर्ड का जो है सेगर शो जो साल में एक बार होता है उसमें सब हाजिर होते हैं और वहाँ पर सब दोस्त लोग से और जर्मन शेफर्ड का सब बड़े बड़े फैंसियर लोग से वो लोग चर्चा करते हैं ब्रीड लेके, और वहाँ से बहुत खरीदारी भी होता है, वहाँ से आदमी लोग लेके सारा वर्ल्ड में जर्मन शेफर्ड ले जाते हैं जर्मनी से। तो ये जो आप देख रहे हैं आज का जो वीडियो में हम आपको सामने लाए हैं, आप देखिए कि कैसे आप सब डॉग फैमिली में जैसे कि देख रहे हैं कि किचन में भी बैठा है खाने के लिए घूम रहा है पीछे पीछे, वैसे बच्चे लोग का साथ भी है, और आप देखिएगा कि जब वही सेम डॉग वो चोर पकड़ने में और जैसे कि बाइट वर्क करता है, ये आप देखिएगा कितना अच्छा से इन लोग को ट्रेनिंग किया जा सकता है। हर कुत्ता को उतना ट्रेनिंग नहीं लेता है, कुछ कुछ कमियां रह जाता है, मगर जर्मन शेफर्ड एक ब्रीड है जिसमें वर्सेटिलिटी एक तो बहुत बड़ा चीज है, और ये उससे ज्यादा मेरा ख्याल से कोई ब्रीड में इतना वर्सेटिलिटी नहीं है। ये अटैक डॉग के लिए भी काम कर सकता है, ये एकदम बहुत और इजीली ट्रेनेबल डॉग्स है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, लोग इतना हाईली इंटेलिजेंट डॉग्स है कि ये डॉग को कोई भी बहुत अच्छा से और जल्दी ट्रेनिंग कर सकता है, बहुत ऊपर लेवल तक इसको ट्रेनिंग किया जा सकता है। ऐसे डिवोटेड एग्जिबिटर्स इंडिया में बहुत हैं और बहुत आगे भी बहुत था, मगर यहाँ का जो माहौल है डॉग वर्ल्ड में एकदम कंजीनियल नहीं है जो रियल डॉग लवर्स को प्रमोट करने के लिए। अगर वो प्रमोट करते तो ऐसे बहुत डॉग लवर्स जिसको हम लोग खो चुके हैं, वो लोग छोड़ दिए हैं, और नहीं तो वो लोग दूर से देख रहे हैं, क्योंकि ये डॉग गेम जो है आप लोग जानते हैं कि एक तो सिंडिकेट का हाथ में चला गया है काफी डिकेट्स दो तीन डिकेट आगे से, और उसमें क्या है ये लोग खाली जो पैसा देता है जो लोग स्पॉन्सर करता है वही लोग का डॉग सब जिताता है, ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाता है कि आप कुत्ता लाइए और हम लोग उसको डॉग शो और जजेस सब हम लोग फिक्स करेंगे करके आपका कुत्ता को जिता लेंगे, उसके लिए इतना लाख रुपया देना है। और अब देखिए कि बहुत करोड़पति अरबपति लोग इसमें आते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है, हर कोई आ सकता है, गरीब भी आ सकता है, बड़ा आदमी भी आ सकता है, मगर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डॉग शो को पूरा खरीद लेते हैं, यहाँ से प्लेन से डॉग लेके जाते हैं कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, और साथ में आठ तो दस तो आदमी ले जाते हैं जो क्लैपिंग करेगा, सपोर्ट करेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि एक सर्कस में जा रहा है। ये डॉग शो एक तो सीरियस स्पोर्ट है, एक तो फ्रेंडली स्पोर्ट है, सब हर डॉग लवर एक साथ मिल के हर आदमी से एक तो फ्रेंडली एटमोसफेयर में मिलते हैं, और ये जो करता है ये लोग खरीद लेता है, और सब एक तो सिंडिकेट जो वर्क कर रहा है ये लोग को वैसे किया है कि जो लोग पैसा देगा वही लोग जीतेगा, और वो लोग को लेके ये लोग करते हैं कि सब लोग को जज को बाहर से जब फॉरेन से बुलाया जाता है वो लोग को सिखा पढ़ा के आता है कि आपको हम इंडिया घुमाएंगे,
मगर आपको जो जो डॉग हम लोग बोलेंगे वही सबको जिताने होगा, क्योंकि वही लोग पैसा दे रहा है। आपको शॉपिंग भी कर लीजिए, बढ़िया से घूमिए और आराम से रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको जो जो बोलेंगे उसको जिताइए। ऐसे करके पूरा मैंने डॉग गेम को एकदम खराब, माहौल खराब कर दिया। कुछ एक सिंडिकेट और उसका जो अमचा चमचा मिलके जो क्लब चलाते हैं, और ये कमाने का एक रास्ता निकाल लिया है। तो इसे यही हम बोल रहे हैं कि देखिए इतना ये जो अभय कॉलेज वर्जीनिया में जाके इतना तरक्की किया है अपना डॉग लेके और माहौल, क्योंकि फॉरेन में ये सब डेवलप्ड कंट्रीज में डॉग गेम को एक तो दूसरा हिसाब से देखा जाता है। जो टैलेंटेड पीपल है और अच्छे अच्छे डॉग्स रखते हैं, वो लोग सही असेसमेंट उन लोग को मिल सकता है कंपटीशन में जाने से, वो लोग का माहौल ऐसे ही है। मगर हम लोग का देश में जो माने हम लोग तो ऐसे ही वर्ल्ड में एक तो करप्ट कंट्री हिसाब से बहुत दिन से एक परिचय हम लोग का है, और उसमें जुड़ गया मेरा हम लोग और हम लोग का डॉग गेम। तो हम को आपको बता सकते हैं कि सबसे करप्ट डॉग गेम है सारा वर्ल्ड में। तो खैर ये माहौल को हम लोग को चेंज करने होगा, और सब जो डॉग लवर्स है वो लोग को एकजुट होने होगा, सब एनिमल लवर को एक तो प्लेटफॉर्म बनाने होगा, क्योंकि हम लोग का कंट्री में हर एनिमल का ऊपर पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी और इम्पोर्टेशन एक्सपोर्ट करने का जो लाइसेंसिंग प्रोसेस, इसको स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग वर्ल्ड क्लास ब्रीडिंग कर सकते हैं एनिमल्स और डॉग्स का ऊपर। तो ये सब सोच के हम एक तो पोर्टल ला रहे हैं, तो बहुत जल्दी उसके बारे में आप लोग को बोलेंगे कि एक तो प्लेटफॉर्म में सब एनिमल लवर को यूनाइट करने का एक तो मेरा जरूर प्रयास रहेगा। और हम आप लोग को ऐसे अभय कौर गवा भी इतना डिवोटेड और अच्छे एनिमल डॉग लवर आपका सामने सारा वर्ल्ड से हम कोशिश करेंगे लाने के लिए। जितना तो इंडियंस है हम ट्राई करते हैं उन लोग से मेरा एक तो कनेक्शन बनाने का, और जिस जरिए हम उन लोग को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग का एनिमल का वीडियो फोटोग्राफ भेजिए, जो हम मेरा कंट्री में इंडिया का एनिमल लवर से हम शेयर कर सके। ये सब बोल के आज का जो हम एपिसोड एंड करेंगे, मगर मेरा चैनल का जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा कि मेरा नया नया वीडियो आप लोग को जो अपलोड करते हैं उसका बारे में आपको संदेश मिल जाए, और लाइक एंड शेयर कीजिएगा जो एनिमल लवर्स के ऊपर साथ सारा वर्ल्ड में मेरा ये चैनल काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और आप बहुत कंट्री में मेरा फेसबुक फ्रेंड्स है और उन लोग से मेरा संबंध होते रहता है, और ये सब जो हम इंडियन जो एनिमल लवर हम इंटरव्यू करते हैं नहीं तो उन लोग के बारे में बोलते हैं, ये बहुत अप्रिशिएटेड होता है। ये बोल के नमस्कार चलाते हैं आप लोग को, और फिर हम आएंगे जल्दी मेरा नया एपिसोड लेके। गुड नाइट।